नमस्कार, फटाफट 20 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते दिन भर की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसले के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के साथ ही सीमावर्ती क्षेत्र को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो भागों में बांटने और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाने का कदम उठाया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर से संबंधित संविधान की धारा 370 और 35A को हटाने और राज्य को दो भागों में विभक्त करने के फैसले को वहां की जनता के साथ विश्वासघात बताते हुए कहा कि भाजपा ने इस तरह एक राज्य को मुल्क के नक्शे से मिटा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के कारण जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त नहीं किया गया। धारा 370 हटाने के विरोध में पीडीपी के राज्यसभा सांसद नजीर अहमद लावे और एमएम फयाज ने संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। पीडीपी के फयाज ने गुस्से में आकर अपना कुर्ता फाड़ लिया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर की धारा 370 और 35A को हटाने और राज्य को दो भागों में बांटने के फैसले को वहां की जनता के साथ विश्वासघात बताते हुए कहा कि भाजपा ने इस तरह एक राज्य को मुल्क के नक्शे से मिटा दिया। पाकिस्तान ने कश्मीर पर सोमवार को लिए गए भारत सरकार के फैसले को गैर कानूनी करार दिया और कहा कि वह इसके खिलाफ सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेगा। सरकार ने जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 को खत्म करने के निर्णय के मद्देनजर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संबंधित एजेंसियों को अधिकतम सतर्कता बरतने को कहा है। अफगानिस्तान में पिछले 24 घंटे के दौरान अलग अलग हवाई हमलों में कम से कम 23 तालिबानी आतंकवादी मारे गए। उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता की गंभीर हालत के मद्देनजर उसे लखनऊ से दिल्ली तुरंत एयरलिफ्ट किए जाने का आदेश दिया है। इस बीच पीड़िता और उसके वकील की हालत गंभीर बनी हुई है लेकिन स्थिर है। कर्नाटक में पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के जलाशयों से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने की वजह से कृष्णा नदी के उफान पर होने के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अगले 3 वर्ष में सालाना 10 करोड़ यात्रियों की आवाजाही के लिए तैयार हो जाएगा, जबकि विमान परिचालन क्षेत्र की क्षमता बढ़ाकर 14 करोड़ यात्री सालाना की जाएगी। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज कब्जाने के बाद टीम के प्रदर्शन की सराहना करते हुए आखिरी मैच में नए खिलाड़ियों को मौका दिए जाने के संकेत दिए हैं। सोने में बड़ा उछाल, वैश्विक स्तर पर तेजी और डॉलर की तुलना में रुपए में रही भारी गिरावट के कारण दिल्ली सराफा बाजार में सोना सोमवार को 800 रुपए उछलकर रिकॉर्ड 36,970 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के जुगेल क्षेत्र में सोमवार को जल लेकर जा रही महिला और बालिकाएं कांवड़ियों की उच्च शक्ति विद्युत करंट की चपेट में आ गई, जिससे 2 किशोरियों की मृत्यु हो गई जबकि 20 गंभीर रूप से झुलस गई। पंजाब के जालंधर में पंजाब सशस्त्र पुलिस PAP के मैदान में चल रही वायुसेना की भर्ती में शामिल होने के लिए पहुंचे युवकों पर सोमवार सुबह मैदान में खड़ी दीवार गिरने से लगभग 15 युवक घायल हो गए, जिनमें से 3 की स्थिति गंभीर है। मध्य प्रदेश शासन ने शुक्रवार 9 अगस्त को आदिवासी दिवस पर सामान्य अवकाश घोषित किया, पहले इसे ऐच्छिक अवकाश घोषित किया गया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को लेकर कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि यह काम जल्द ही किया जाएगा। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में मामूली विवाद के चलते दो पक्षों में हुए संघर्ष में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। देओल खानदान की तीसरी पीढ़ी बॉलीवुड के लिए तैयार है। धर्मेंद्र के पोते और सनी देओल के बेटे करण देओल की पहली फिल्म पल पल दिल के पास का टीजर रिलीज हो गया है। यह फिल्म 20 सितंबर को रिलीज होगी। अक्षय कुमार ने अपनी आगामी फिल्मों सूर्यवंशी और बच्चन पांडे के लिए 5 किलो वजन कम किया। उन्होंने डाइट की बजाय एक्सरसाइज बढ़ाते हुए ये वजन कम किया। तो ये तो थी दिन भर की खास खबरें फटाफट अंदाज में। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए वेब दुनिया के साथ। नमस्कार।